श्रीकाल जी सारा का स्वागत है। मैं हाँ थोड़े ना कविता सिंह हाजर हाँ जी साढ़े स्टडी वीजा एक्सपर्ट को लैके। सो साढ़े विद्यार्थी जो बाहर विदेशों के जाना चाहते हैं जी उन्होंने वास्ते मिस्टर प्रदीप बालियन वैसटर्न ओवरसीज तो एक्सपर्ट साढ़े नाल जुड़े ने। कैनेडा ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन फेयर जोड़ा है लगन जा रहा है जी थोड़े अपने अपने शहरों के तरीक जी है वैन्यू जोड़ा जी थोड़ा जरूर दसया जाएगा कदों वैसटर्न ओवरसीज की पूरी टीम जी है पहुँच रही है थोड़े शहर के थोड़े बच्चों बाहर भेजन जो मदद करे जी। तो उस तो पहला यानी कि एक बार असं इन्हों का स्वागत कर लें सर। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सो 26 तरीक तो लैके जी 31 अगस्त तक जिन्हें भी साढ़े विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं जी उन्होंने वास्ते एजुकेशन फेयर जोड़ा है 26 तरीक न रहेगा यमुना नगर कैथल और फतेहाबाद के 27 तरीक न सोनीपत जींद हिसार के उस तो बाद जी 28 तरीक का अगर गल करिए रोहतक पानीपत सिरसा के सैमीनार रहेगा 29 तरीक न बरनला फिरोजपुर हुशियारपुर एजुकेशन फेयर जोड़ा है जिते मौका मिलेगा थोड़ा सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लैके पहुँच सकते हो असैसमेंट कराओ काउंसलिंग लिया करो जाने करो कि कितने थोड़ा किहड़ा कॉलेज एक्सैप्ट कर रहा है थोड़ा ऑफर लैटर प्रोवाइड कर रहा है। उस तो बाद जी 30 तरीक न नवांशहर मोगा तो गुरदासपुर 31 तरीक जोड़ा अगस्त का लास्ट जी तरीक रहेगी वह है जी देहरादून तो जम्मू। सो बिना देरी दे अज तो ही अपनी जी तैयारी हैगी है इस सैमीनार अटेंड करन दी करनी शुरू कर दो ताकि उत्थे जाके जिहड़े भी सवाल ने उहनां दा असीं जवाब लै सकीए। फिलहाल मिस्टर प्रदीप बालियन वैसटर्न ओवरसीज तो साडे नाल। सर एजुकेशन फेयर लग रहे हैगे ने सो विद्यार्थी हर कोई है ना कोई कैनेडा जाना चाहुंदा कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहुंदा अजकल यूके दे भी काफ़ी इनफॉर्मेशन जिहड़ी सामने आ रही ने यूके वास्ते भी बच्चा सोच रहा भी हाँ जी अपलाई कर दे जदों तो पता चलिया कि हाँ जी यूके का जिहड़ा वीज़ा हैगा बहुत आसानी दे नाल मिल रहा है जी। डेफिनेटली आज की डेट में स्टूडेंट्स का बड़ा रुझान हो रहा है यूके की तरफ जाने के लिए और इवन के वीज़ा भी आ रहे हैं यहाँ पे विदाउट आयल्स भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है अगर आपके ट्वेल्थ में इंग्लिश में 65% मार्क्स हैं अदरवाइज वी आर सजेस्टिंग कि आप आइल्स के साथ आएँ 5.5 बैंड है 6 बैंड है 6.5 बैंड है हर चीज़ बट यूनिवर्सिटी में जाना होगा बैचलर और मास्टर्स के लिए तो आपका अगर गैप भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इवन कि यहाँ पे 6 महीने की फीस देकर बच्चा जा सकता है और बच्चे को तकरीबन 15-16 लाख रुपये दिखाने पड़ेंगे रेस्ट ट्यूशन फीस प्लस क्या नाम है अपना क्या नाम है लिविंग कॉस्ट इनर लंडन है या आउटर लंडन है 28 डेज ओल्ड पैसे होने चाहिए बड़ा सौखा बड़ा ईजी और बड़ा ईजी प्रोसेस है जिसमें बच्चों के आज के डेट में वीज़ा लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न ओवरसीज़ की आप फेसबुक पेज या यूट्यूब पे या ऑफिस में विजिट करके देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आज की डेट में यूके की तरफ भी जा रहे हैं उनके वीज़ा लग रहे हैं। सो आइल्स है ते बिना आइल्स तो भी बच्चे चाहते हैं भी चले जाइए जी। देखिए बगैर आइल्स जा सकते हैं लेकिन उसमें देखना होता क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन वो स्टूडेंट्स उनको राइट है हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने क्या नाम अपने बिहाफ पे भी स्टूडेंट्स को उनकी इंग्लिश चेक करके पैरामीटर चेक करके बच्चों को विदाउट आइल्स भी एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज 65% इंग्लिश में मांग रही हैं और ओवरऑल परसेंटेज ठीक होनी चाहिए और बच्चों के वीज़ा लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू छोटा मोटा होता है उसमें बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं कि भाई यूके क्यों जाना है आउटकम क्या है कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं पेरेंट्स कैसे स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न कितने की है तो ये सारी चीज़ें इस बच्चे को हम बताते हैं और उसके अलावा कोर्स कंटेंट्स क्या है। तो अगर आप भी यूके में जाना चाहते हैं तो जो हमारे फेयर हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर वेस्टर्न ओवरसीज के नियरेस्ट ब्रांच में आके आप काउंसलिंग ले सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं। हम जो आ रहे हैं जी 26 अगस्त को यमुनानगर कैथल फतेहाबाद 27 तारीख को सोनीपत जींद हिसार 28 अगस्त को रोहतक पानीपत सिरसा 29 से हमारा पंजाब का टूर स्टार्ट हो रहा है जी बरनला फिरोजपुर और होशियारपुर और 30th को नवांशहर मोगा गुरदासपुर और 31st अगस्त को देहरादून जम्मू। अगर आप भी जाना चाहते हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूके यूएसए यूरोप साउथ कोरिया तो वेस्टर्न ओवरसीज़ की टीम होगी आपको बताएगी आपके डॉक्यूमेंट असेस करके कि आप कौन से कॉलेज में कौन से कंट्री में कौन से कोर्स में जा सकते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। ये एजुकेशन एंड वीज़ा फेयर है जहाँ आपको कोर्सेज और कोर्सेज और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में तो बताया जाएगा साथ साथ में वीज़ा फेयर है तो मतलब आपको वो डॉक्यूमेंट भी बताए जाएंगे कि आपको वीजा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है किस तरीके से आपका वीजा लग सकता है जी। सो ऑस्ट्रेलिया जिथे के फंड्स की भी रिक्वायरमेंट हैगी है अच्छा ओल्ड फंड्स भी मंगे जाते हैं आइल्स के बैंड जोड़े वो भी देखे जा रहे हैं उस तो बाद लेवल जो ना कॉलेज का वह भी देखा जा रहा है सो कहते कि टफ है ऑस्ट्रेलिया वाल नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चे का अगर जी टी मैच करता है तो डेफिनेटली वीजा आ रहा है। देखना ये होगा देखिए बच्चे हम जो आज के डेट में जो स्टूडेंट्स को
मोटिवेट कर रहे हैं, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किसी बच्चे ने जाना है, 12th पास है, सीबीएसई बोर्ड 60%, मेजर 4 और स्टेट बोर्ड है 65%, अदरवाइज कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो बिलो 60 भी ले रहे हैं, लेकिन वीज़ा सक्सेस रेट हाई रखने के लिए सीबीएसई 60%, मेजर 4 और स्टेट बोर्ड के 65, मेजर 4 होने चाहिए, बच्चों का गैप नहीं हो, गैप हो तो उसमें जस्टिफिकेशन हो, 3 महीने पुराने मम्मी पापा दादा दी नाना नानी भाई बहन चाचा ताऊ ये सब मिलके फंड दिखा सकते हैं, 25-26 लाख के फंड दिखाने हैं। अच्छा। और एजुकेशन लोन या एफडी या सेविंग ठीक है, चल रहा है और बड़ी इजीली बच्चा आज की डेट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि अच्छा कोर्स हो, रिलेवेंट कोर्स हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के वाई मतलब इसमें जैसी सिचुएशन है कि आज की डेट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे वीज़ा रिजेक्ट होता है। अभी हम कुछ टाइम पहले एरी की मीटिंग में थे जिसमें हाई कमीशन भी आया हुआ था और मतलब हमें फेस टू फेस मौका मिला था एम्बेसी में के वीज़ा ऑफिसर से, डिप्लोमेट से मिलने का। अच्छा। तो वहाँ यही बातें आ रही थी कि जी आप जो रिफ्यूज़ल देते हो तो किस कारण से देते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई जो आप लोगों के जो एक तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट बहुत हो रहे हैं मार्केट में, सेकेंडली एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट अगर सेम पैटर्न पर दूसरी कोई जेन्युइन बच्चा भी जाता है तो वो उसको भी उड़ा देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई एक तो आपकी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अपने लेवल पर वो लिखनी होगी कि भाई आप क्यों कन्विंस हुए हो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, सेम कोर्स तो इंडिया में भी है, देन वाई ऑस्ट्रेलिया, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, आउटकम में ये भी बताना होगा कि इस कोर्स की वैल्यू क्या है, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर वो इंडिया वापस आता है या ओवरसीज में किसी भी कंट्री में जाता है तो किस कंपनी में किस तरीके से वो अपने आप को किस पोस्ट पे देख पाएगा। तो मतलब 3 साल में 4 साल में या 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है तो कंप्लीट करने के बाद एग्जैक्टली स्टूडेंट अपने आप को कहाँ पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बोले एसओपी एक बच्चा अगर जेन्युइन बनाता है तो वेल गुड है, अदरवाइज क्या होता है कि आज की डेट में जो एजेंट्स हैं कंसल्टेंट्स हैं वो फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, फेक फंड लगा रहे हैं, फेक वर्क एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, एसओपी स्टूडेंट्स खुद नहीं बनाता, वो एजेंट बना रहे हैं, तो वो चीज़ें आज की डेट में एम्बेसी को पता लग रही हैं। एक कंसल्टेंट कितनी फाइलें लगाता होगा, महीने में 200 लगा देता होगा, तो एम्बेसी में तो रोज की 2000 एप्लीकेशन जा रही है, 5000-10000 एप्लीकेशन जा रही है, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। दैट्स द रीजन हाई कमीशन बोलता है कि खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में गुजरात में और आपका क्या नाम है एक दो साइट्स और भी हैं जहां पे आज की डेट में फेक डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा निकल रहे हैं और फेक डॉक्यूमेंट के चक्कर में रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। अच्छा। साथ साथ में एक अगर फेक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया ना एम्बेसी उस सेम प्रोफाइल के जितने भी फाइलें लगी हुई हैं सेम प्रोफाइल की उन सब को उड़ाती है, सब को रिफ्यूज़ल देती है। अभी पीछे बहुत रिफ्यूज़ल आए, उनके पीछे यही रीज़न था कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट फेक प्रोफाइल पकड़ी गई, उस पैटर्न की जितनी भी फाइलें थी सबको उड़ा दिया जी। सो देखो जी असं तो इन्ना ही कह सकते हैं या यही साढ़े वालों तो यही सामने आएगा कि जिथे विद्यार्थियों रिजेक्ट किया जा रहा है कितना कितने गलती जी कंसल्टेंट की है, कंसल्टेंट भी रिजेक्ट कर देना चाहिए एम्बेसी दे वल्लों। डेफिनेटली आज की डेट में ये चीज हो रही है, हाई कमीशन जहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेज को कैटेगरी दे रहा है, आने वाले टाइम में एजेंट्स की परफॉर्मेंस भी एम्बेसी में जा रही है एंड साथ साथ में जो मैं बता रहा था वो हैदराबाद भी सिटी है, हैदराबाद गुजरात और नॉर्थ इंडिया हरियाणा और पंजाब यहाँ से सबसे ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट जाते हैं, फिर वहाँ से कंप्लाइंस भी ठीक नहीं है, बच्चा वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद बच्चा वहाँ पे कॉलेज चेंज कर लेता है। अच्छा। एयरपोर्ट से उतरते ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी चेंज कर लेनी है, तो कंप्लाइंस से जो वो फॉलो नहीं हो रही है, तो दैट्स द रीजन कि ये जो रेड अलर्ट रेड जोन में आ रखे हैं जिसमें हरियाणा पंजाब गुजरात एंड हैदराबाद। सो बहुत जरूरत है जी साडे विद्यार्थियों नूं सचेत रहन दी कि कदों भी जदों भी किसी कंसल्टेंट दे कोले असीं अप्लाई करना उहदा बैकग्राउंड जरूर देखना हैगा। हालांकि अच्छा असीं इदां कह तां दिंदे आ प्रदीप सर कि बैकग्राउंड देखण स्टूडेंट्स, हुण जिहड़ा कोई पुराना उहदे ते वी असीं विश्वास नहीं कर सकदे। देखिए डिपेंड करता है, बट इससे पहले तो स्टूडेंट्स को भी तो ठीक होना पड़ेगा ना। स्टूडेंट एक बच्चा 10th पास एमबीए में जा रहा है जी, तो कैसे पॉसिबल है ठीक है, तो 10वीं पास उसने 12वीं भी एडिट करा ली, अपनी बीकॉम भी बनवा ली, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। ऐसे ही बच्चों के गैप हैं, वो उस टाइम पे देख रहे हैं कि जी मुझे तो वीज़ा चाहिए, एजेंट्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कितने फेक डॉक्यूमेंट लगा रहा है कैसे लगा रहा है, स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, बट इस चक्कर में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है जिसने कुछ गलत नहीं किया है वो जब फंसता है, जब 80% वाले बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट होता है वो मरता है। दैट्स द रीजन यहाँ एजेंट्स की वैल्यू है, एजेंट्स को भी यस और नो नो कहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बट आज की डेट में एजेंट ऐसे बैठे हैं कि जैसे कोई आए और बस उसको मतलब एक तरह से उसको किल कर दे एक तरह से, तो जो भी आएगा नो के कोई बोलता ही नहीं, सबको बोलते हैं आपका वीज़ा लग जाएगा तो भैया वैसे ही होगा फिर तो मार्केट मतलब जिस रास्ते मार्केट जा रही है वो डेफिनेटली बहुत डेंजरस वे में जा रही है, डेंजरस तरीके से जा रही है, कल ने बहुत अच्छा भविष्य नहीं है अगर इसी तरीके से कंसल्टेंट गलत काम करते रहे। एनीवे ये चीज़ें चलती रहेंगी। फिर मैं बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न ओवरसीज ऑर्गेनाइज कर रहा है
कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन वीज़ा फेयर है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, साउथ कोरिया, हर एक कंट्रीज़ की काउंसलिंग दी जाएगी। साथ साथ में अगर आप आईएलटीएस पीटी करना चाहते हैं तो यहाँ पे फैकल्टी मौजूद होंगी जो आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगी। 26 तारीख को हम 3 सिटी में आ रहे हैं, यमुनानगर होटल मधु, कैथल होटल गोल्डन, फतेहाबाद होटल ड्यूक। 27 अगस्त सोनीपत, जींद, हिसार। सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट, जींद में होटल अभिनंदन, हिसार में डबल स्पून रेस्टोरेंट है। 28 अगस्त को हम 3 शहर हैं जी, रोहतक, पानीपत, सिरसा। रोहतक में गुलाब रेस्टोरेंट है मॉडल टाउन में, पानीपत होटल ग्रीन कैसल और सिरसा में होटल गैलेक्सी। 29 को बरनाला, फिरोजपुर, होशियारपुर। बरनाला में मिडवे डिलाइट, फिरोजपुर का अभी आपको शॉर्टली हम बता देंगे, होशियारपुर में होटल प्रेजिडेंसी। 30th को आ रहे हैं जी, 30th अगस्त को नवांशहर, मोगा, गुरदासपुर। नवांशहर में द ग्रांड होटल एंड रिजोर्ट, मोगा में होटल धिंगरा और गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल। 31 अगस्त देहरादून एंड जम्मू, देहरादून में होटल सैफ्रन लीफ है और जम्मू में होटल विवेक है। अगर आप भी ऑन स्पॉट एडमिशन चाहते हैं, आप भी एक जेन्युइन कंसल्टेंट की तलाश में, आपका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, आपका गैप है, आपको किस कोर्स में जाना चाहिए, किस कंट्री में जाना चाहिए, हर एक प्रोफाइल को डिस्कशन के लिए मेरी टीम आ रही है, मैं खुद आ रहा हूँ। आप भी ऑन स्पॉट एडमिशन चाहते हैं, आप भी एक जेन्युइन काउंसलिंग चाहते हैं तो इन फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, जड़े बच्चे ने 12वीं अपनी कंप्लीट की हुई है, तो अपने आइल्स स्कोर लेके तुम विजिट जरूर कर सकते हो जी। जिन्होंने आइल्स नहीं भी की हुई तभी थोड़े वास्ते यूके वर्गी जी कंट्री है ना, बहुत ही सोहनी डेस्टिनेशन, जो कि हम खुल के वीजा दे रही है जी, चाहते हैं कि हाँ जी जो बच्चे है, जो विद्यार्थी है साडे मुल्क दे विच आन ते इत्थे अपनी पढ़ाई जिहड़ी हैगी पूरी कर सकन, ते नाल दे नाल काम दी ऑप्शन जिहड़ी ने जी ओह भी सामने आईआं ने कि हुण काम भी तुहानूं जिहड़े हैगे ने उत्थे मिलणगे। सो फिलहाल जी अज मिस्टर प्रदीप बालन वैस्टर्न ओवरसीज तों जिन्हां ने साडा साथ दित्ता हैगा, सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखो जी, अगली बारी मुलाकात करते हैं, सत श्री अकाल।